मैं त्रिपाठी और आप आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल एडी केमिकल पॉइंट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा कंटेंट है, आपने देखा कि इसके पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, रिएक्टर्स के एजिटेटर पढ़े। रिएक्टर्स की लगभग लगभग सारी चीजें खत्म हो गई। हमने रिएक्टर की कम से कम 20 से 22 वीडियो बनाई। इसमें हर एक प्रकार के रिएक्टर के टाइप की चर्चा की, हेस्टलाइन, कोनल, टाइटेनम, टेंटेनम, फिर एमओसी की बात की तो एमएस, जीएलआर, ऐसे सारी चीजें हमने चर्चाएं की। उसमें हमने एक एक चीजें की चर्चा की। उसने फिर हमने प्रीवियस पिछली वीडियो में देखा कि हमने टाइप्स, आप जो पढ़ा एजिटेटर, एजिटेटर कितने टाइप का होता है, हर एक एजिटेटर की अपनी अलग अलग क्या होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। आज उसी में पढ़ेंगे कि रिएक्टर्स, देखिए मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि रिएक्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, ओके। तो आज उसी से रिलेटेड ये है कि रिएक्टर्स के अंदर, रिएक्टर के अंदर एक प्रकार की यूटिलिटी होती है, वो यूटिलिटी क्या होती है। अब देखिए, जो लोग इंडस्ट्री विजिट किए हैं उनके लिए बेहद ही आसान है, शायद उनको इस वीडियो की जरूरत भी नहीं होगी। कुछ चीजें होंगी जो नहीं होंगी, लेकिन जो बच्चे अभी क्लास में हैं या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं या अप्रेंटिस या ट्रेनिंग में हैं, उनको बता दूं कि आपको पढ़ाया जाता है कि रिएक्टर होता है और रिएक्टर के अंदर रिएक्शंस कराए जाते हैं। लेकिन एक चीजें और होती हैं जो आपको शायद ठीक है बताई भी जाती है, लेकिन कुछ क्या होती है चीजें आप नहीं फोकस कर पाते क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकली नहीं दिखाई जाती है। तो आज हम उसी चीज की चर्चाएं करेंगे। क्या समझिएगा, पहले हम पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या होती है। क्या पहले हम आज पढ़ेंगे यूटिलिटी, यूटिलिटी, फिर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, ओके। फिर हम पढ़ेंगे जैकेट, ठीक है, जैकेट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जैकेट। ये सारी चीजें कवर करेंगे और पढ़ लीजिए, ये इंटरव्यू के लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बेसिक नॉलेज के लिए। अगर आप इंडस्ट्री में आते हैं तो क्या होता है, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट देख के आप डर जाते हैं और इस सब सीखने में आपको काफी लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने क्या जानता है कि एक रिएक्टर होता है, ये आपका रिएक्टर होता है, ठीक है, ओके, ये आपका एजिटेटर होता है। तो हमें क्या बताया जाता है कि कोई भी ए और बी, ए और बी, ये दो प्रोडक्ट आए और आपस में यहां रिएक्शन किए और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा बताया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कुछ चीजें और जोड़ने वाली की है। जब यह दो रिएक्शन आपस में जुड़ते हैं तो उनकी अपनी एक फेवरेबल कंडीशन होती है, कुछ रिएक्शंस की अपनी एक कंडीशन होती है। क्या हो सकता है रिएक्शन बोले कि हम 45 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करेंगे, हो सकता है ये रिएक्शन बोले हम 95 पे रिएक्शन करेंगे, ये भी हो सकता है ये बोले -12 पे करेंगे, -15 पे करेंगे, हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि हर एक रिएक्शन की अपनी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, अपनी स्पेसिफिक एक प्रकार की वो बोल सकते हैं हम कि शर्तें होती हैं। तो वो कैसे की जाती, कभी आपने सोचा, अगर यह रिएक्शन बोला कि हमें 95 हमें टेम्परेचर चाहिए तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो हमारा कितना है, 30 के राउंड फिगर है, यही तो होता है, फिर 95 हम कैसे जाएंगे। तो उसके लिए यूज किया जाता है यूटिलिटी। अगर यही रिएक्शन बोले हमें माइनस में टेम्परेचर ले जाना है, मतलब रिएक्शन तो होगा लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर यानी टी कितना होना चाहिए, -15 होना चाहिए, तो हम कैसे देंगे, जो देंगे उसे बोलते हैं यूटिलिटी। आई बात समझ में, अब ये देते कैसे, ये थोड़ा चीजें डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले ये समझ जाइए आप यूटिलिटी होता क्या है, यूटिलिटी क्या होता है, ध्यान सुनिए, यूटिलिटी कभी भी रिएक्शंस में भाग नहीं लेता। सबसे अच्छी चीज किसी को बताने के लिए, अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है, तो याद रखिए यूटिलिटी कभी भी रिएक्शंस में भाग नहीं लेता, यूटिलिटी केवल रिएक्शंस को सपोर्ट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोला यूटिलिटी कभी रिएक्शन में भाग नहीं लेता तो आप बोल दे कैटलिस्ट भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता, तो यूटिलिटी और कैटलिस्ट सेम है, नहीं, कैटलिस्ट सीधे डायरेक्ट रिएक्शंस में फिजिकली इन्वॉल्व होता है लेकिन यूटिलिटी कभी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता, ये चीजें आप समझ जाइए, ठीक है। यूटिलिटी क्या करता है, उस रिएक्शंस की फेवरेबल कंडीशन तक पहुंचाने का कार्य करता है, कौन सा चीज, यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी बहुत सी प्रकार की हो सकती है, चर्चा करेंगे हम। पहले हम जान जाते हैं यूटिलिटी क्या होता है, आपने जाना यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, इस नाम से ही मालूम चला, यूज करना, प्रयोग करना, कुछ ऐसे चीज जिसका प्रयोग कर हम रिएक्शंस को उसके फेवरेबल कंडीशन तक पहुंचाएं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है, ओके। अभी और आगे समझेंगे, देखिए अभी और विस्तार से हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करें कि यूटिलिटी कितने प्रकार की हो सकती है, देखिए एक काम कर ले हम कि पहले टाइप्स लिख लेते हैं यूटिलिटी क्या होता है। सबसे पहले हॉट वाटर, सब की चर्चा करेंगे, डोंट वरी, हॉट वाटर होता है। दूसरा आपका हॉट ऑयल होता है, क्या होता है, हॉट ऑयल होता है। तीसरा आपका क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर होगा, ओके। चौथा आपका चिल्ड वाटर होगा, ओके ओके। पांचवा जो आपका होगा वो ब्राइन होगा,
चिल्ड ब्राइन भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चिल्ड ब्राइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। छठा आपका जो होगा वो स्टीम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चीजें हैं। सातवां आपका जो होगा वो याद रखिए नाइट्रोजन हो जाएगा। आठवां जो आपका हो जाएगा एयर भी हो सकता है। और नौवां जो हो जाएगा वो आपका क्या हो सकता है, क्या सी चीज ऐसी चीजें हैं जो छूट सकती हैं, चलिए पावर लिख सकते हैं। ये आपके टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, पढ़ लीजिए। ये सब चीजों की वजह से हर एक रिएक्शन की अपनी एक अलग अलग शर्तें होंगी। हर एक रिएक्शन एक डिमांड करेगा कि हमें हाई टेम्परेचर चाहिए तो हॉट वाटर यूज करेंगे, एक बोलेगा हमें मैक्सिमम हीट चाहिए तो स्टीम का यूज करेंगे, एक बोलेगा हमें निगेटिव टेम्परेचर चाहिए तो हम वहां ब्राइन यूज करेंगे, एक बोलेगा नहीं 10 या 5 में भी मैं सॉल्व हो सकता हूँ। जैसे चर्चा कर लेते हैं, तब हॉट वाटर का कब यूज करते हैं, हॉट वाटर का यूज तब करते हैं जब कोई रिएक्शन हो रहा हो, क्या, जब कोई रिएक्शन ऐसा और उसकी डिमांड हो, क्या, कि हम ऐसे टेम्परेचर चाहिए कि अगर हाई स्टीम, क्या होता है स्टीम अगर यूज करेंगे हम, नो डाउट स्टीम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है स्टीम यूज डायरेक्ट क्या होता है उसमें लेटेंट हीट होती है, स्टीम के अंदर क्या होता है लेटेंट हीट होती है, तो वो क्या करता है कुछ रॉ मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्ट वो जब लेटेंट हीट पाता है यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है तो वो डिकम्पोज जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं हॉट वाटर। क्या यूज करते हैं, हॉट वाटर। आई बात समझ में, तो ये भी पागा क्या हो सकता है आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में आ सकता है। हॉट ऑयल यूज कर रहे, हॉट ऑयल क्या होता है जैसा कि मैंने बोला हॉट वाटर क्या करता है 280-290 तक के टेम्परेचर तो को आसानी से पहुंचा सकता है। इसका यूज हम बेसिकली कंडेंसर में या रिएक्टर के जैकेट में यूज करते हैं। इसका यूज कब करते हैं ये भी समझ लीजिए, जैसा कि सेम वही फंडा होगा कि स्टीम क्या होता है डायरेक्ट उसके अंदर लेटेंट हीट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है एज टू कंपेयर हॉट वाटर हॉट ऑयल के, इसलिए हम वहां सबसे पहले क्या करते हैं हॉट ऑयल का यूज करते हैं। आई बात समझ में, ओके ठीक है। अब देखेंगे हम कूल्ड वाटर क्या होता है, कूल्ड वाटर क्या होता है, कूल्ड वाटर जो बेसिकली आपका नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कूलिंग टावर से जो आता है, क्या कूलिंग टावर से जो आपका टेम्परेचर है मतलब उसकी टेम्परेचर 25 से 30 करना है, अगर कोई रिएक्शन ऐसा करा रहा हूं जहां पे उसकी कंडीशन है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी वो रिएक्शन हो जाएगा तो वहां पे हम कूल्ड वाटर उसके जैकेट में घुमा देंगे। आई बात समझ में। चिल्ड वाटर देख लें, चिल्ड वाटर ऐसा जो रिएक्शन की डिमांड हो -5 -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें चाहिए वहां पे हम चिल्ड वाटर यूज कर देंगे। अब आपके अंदर में एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो लाइए, क्या कि अगर चिल्ड कूल्ड वाटर सिंपल एक चिल्ड वाटर ही होता है उसमें ऐसा क्या किया जाता है कि उसकी टेम्परेचर जो होती है वो चिल्ड हो जाती है, मतलब वो पॉजिटिव प्लस यानी +10 +10 टेम्परेचर तक ला सकता है, ऐसा क्या होता है तो उसमें गैस यूज किया जाता है, बहुत से गैसें यूज की जाती है, इसमें से मैं आपको गैस का नाम बता देता हूँ डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ये गैस का यूज करके हम उस टेम्परेचर उस वाटर को काफी ज्यादा चिल कर लेते हैं और रिएक्टर के अंदर सर्कुलेट करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब एक आता है ब्राइन, ये क्या होता है याद रखिए, जब मैंने क्या बोला 25 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर का रिक्वायर्ड होगा कूल्ड वाटर कर लेंगे 25 से 30 के बीच में, जब चिल्ड वाटर यानी कि 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का यूज कर लेंगे, ठीक है ओके। ब्राइन की जब बात आती है तो -1 से लेके -25 डिग्री सेल्सियस तक का ये टेम्परेचर अगर किसी रिएक्शन की डिमांड है, और होता है कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो माइनस टेम्परेचर तक हम उसको रिएक्शन कराने हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्राइन। ब्राइन में यूज होता है आपका अक्सर अमोनिया ग्लाइकोल, बहुत से टाइप के ब्राइन होते हैं, जैसे मैंने आपको दो बताया, क्या एक होता है ब्राइन जिसको ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं, एक जो अमोनिया जिसका यूज करके हम क्या करते हैं जैकेट में टेम्परेचर को माइनस तक ले आके रिएक्शन कराते हैं। एक होता है आपका स्टीम, जो ऐसा स्टीम मतलब कि उस रॉ मटेरियल की टेंडेंसी है, उस रॉ मटेरियल की इतनी कैपेसिटी है कि हाई टेम्परेचर पे भी वो डिकम्पोज नहीं होगा तो हम आसानी से बॉयलर से स्टीम लेते हैं और रिएक्टर के अंदर क्या करते हैं दे देते हैं। स्टीम का यूज रिएक्टर तक ही सीमित नहीं है, लाइन को डीचोकिंग क्लीनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, कई चीज जितनी सारी मैं यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ इसका, चूंकि मैं यूटिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक ही है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लेकिन इसके बहुत से यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हॉट वाटर आपने बताया कि मैं क्या बताया कि यूटिलिटी में यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं रिएक्टर के जैकेट में यूज करते हैं, लेकिन कई जगह पे आप देखोगे लाइन अगर डीचोकिंग है या फिर क्या करते हैं नॉर्मल हॉट वाटर किसी चीज की वॉशिंग करने के लिए वहां पे भी हॉट वाटर का यूज हम कर सकते हैं, नो डाउट। ऐसे कूल्ड वाटर की हम बात करें तो वेसल क्लीनिंग में भी अगर कोई वेसल क्लीन करना है कोई इक्विपमेंट क्लीन करना है कूल्ड वाटर हम वहां पे घुमा लेते हैं। चिल्ड वाटर कंडेंसर में भी हम इसको घुमा सकते हैं, सिर्फ बहुत सी चीजें हैं बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की। तो ऐसे ही नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन क्या है का एयर के लिए क्या है, एयर को क्लोज कर देता है, क्या करता है क्लोज कर देता है। तो अक्सर हम नाइट्रोजन का प्रयोग पर्जिंग के लिए करते हैं, अक्सर नाइट्रोजन का यूज हम फ्लशिंग के लिए करते हैं। फ्लशिंग बोले तो मान लीजिए कोई भी हम रिएक्टर के अंदर प्रोडक्ट है, कोई रिएक्टर के अंदर प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें फायर पकड़ने के चांस है, उसमें नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग मतलब थोड़ा सा नाइट्रोजन, दो मिनट एक मिनट उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम दे देती है ताकि उसके अंदर एयर की कंटेक्ट ना हो, क्योंकि एयर के कंटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन जाएगा फायर पकड़ेगी। इसलिए एक बार कहिए भी यूटिलिटी हुआ, यूटिलिटी मतलब उसका यूज करके, यूटिलिटी का यूज करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, याद रखिए क्या है यूटिलिटी का यूज करके हम प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में यूटिलिटी का क्या होता है हिस्सेदारी होती है, नहीं वो केवल सहयोग करता है प्रोडक्ट को उसके फाइनल स्टेज तक पहुंचाने का, ठीक है। अब आपकी बारी नाइट्रोजन हो गया, एयर, एयर भी होता है। अक्सर आप देखेंगे जितने सारे वाल होते हैं, सोलेनोइड वाल्व बात कर रहे हैं, ऑटोक्लेव वाल्व हुए, इसके थ्रू क्या होता है एयर सेटअप किए जाते हैं कि 4 kg 5 kg का एयर आएगा तो क्या होगा वाल्व खुल जाएगा जब एयर का प्रेशर आता है, और उसके थ्रू हम किसी सॉल्यूशन का या किसी सॉल्वेंट का या किसी सॉल्यूट का क्या करते हैं फीडिंग कराते हैं। तो ये भी बात का यूटिलिटी हुआ, मतलब इसके थ्रू रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर यह प्रेशर नहीं रहेगा तो कट ऑफ नहीं होगा, मतलब क्या होता है अब अक्सर इंडस्ट्रियां क्या हो रही है डेवलप हो रही है, डेवलप मतलब बोले तो वो क्या इंजीनियरिंग में और आगे बढ़ रही है। तो उसमें क्या होता है पहले हम वाल से, पहले क्या था मैनुअली हैंडल करते थे, अगर हमें कोई केमिकल इन्वॉल्व करना है एक रिएक्टर में तो हैंड जाके वाल खोलते थे, अब क्या है डीसीएस सिस्टम आ गया है, वहां पे क्या है हम सेटअप कर दे रहे हैं। सेटअप बोले तो अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं उसमें क्या होता है 7 kg 4 kg का एयर हम उसमें देते हैं लाइन में, और उसमें एक टेम्परेचर इंडिकेटर डाल देते हैं कि इतने टेम्परेचर पे ये खुलेगा, और उस वह टेम्परेचर क्या रहता है, वह टेम्परेचर जो रहता है वह रिएक्शंस की फेवरेबल कंडीशन रहती है कि 15 टेम्परेचर पे हमें ये सोल्यूशन चाहिए, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाल अपने आप खुलता है, जैसे 20 या 17 जो भी उसकी निगेटिव हो जो नहीं चाहिए उतने पे वो क्या होगा एयर का वाल बंद, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा और वो क्या होगा वाल क्लोज हो जाएगा, मतलब एयर क्या करता है उस वाल को ओपन की रहता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो एयर बंद हो जाता है और वाल अपने आप कट ऑफ हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर जो होता है आपका ये भी आपका यूटिलिटी में ही योग देता है, कैसे अगर पावर नहीं रहेगा तो एजिटेटर चालू नहीं होगा, पावर नहीं रहेगा तो पंप से जो आप फीडिंग करा रहे हैं वो नहीं होगा, तो पावर भी एक प्रकार यूटिलिटी का कार्य करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है तो आप उसे 9 प्रकार की यूटिलिटी की काउंटिंग करा सकते हैं। हर एक चीज का नोट्स मिलेगा, नोट्स की टेंशन ना लें, यह चैनल आपको नोट्स देने का कार्य करता है प्योरली केमिकल कंटेंट के लिए, ठीक है। अब बात करें जैकेट क्या होता है, क्या बात करें जैकेट क्या होता है, पहले समझिए हमने आपको बता दिया यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी कहां कहां यूज किया था ये भी बता दिया, लेकिन अब कैसे करते हैं। देखिए जब आपका यह रिएक्टर बना, क्या हुआ जब आपका यह रिएक्टर बना, ठीक है, हम अक्सर लोग बोलते हैं यहाँ पे हीटिंग दिया यहाँ पे कूलिंग दिया, ठीक है वो बात सही है, लेकिन वो एक अलग लेवल, मतलब उस लेवल पर आप पहुंच गए हैं जब आपको यह वीडियो समझ में आ जाएगी या पहले से आप उस बारे में जानते हैं। यह रिएक्टर तो होता है लेकिन इसके बाद एक यहाँ जैकेट होती है बिल्कुल इसी की हाइट की, क्या होती है हाइट वो थोड़ा सा कम होगा मतलब यहां तक होगा, ठीक है ऐसे, आई बात समझ में, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे एक इनलेट हो सकता है और यहां पे आपका आउटलेट हो सकता है, ये है आपकी जैकेट, समझिए जैसे कि हमारी बॉडी है, क्या बॉडी है तो बॉडी का जो मेरा इंटरनल पार्ट है वो समझिए रिएक्टर, और इसके ऊपर जो हमने शर्ट पहन रखी है ये एक प्रकार जैकेट का कार्य कर रहा है, जैकेट। आई बात ऐसे रिएक्टर होता है, इसमें क्यों जैकेट लगाया जाता है क्योंकि इसके अंदर तो रिएक्शन हो रहा है और हमें रिएक्शन क्या करना है इसको हीट देना है, अगर इस रिएक्शन को क्या करना है हीट देना है तो उसके अंदर हमें हाई हीट की कोई चीज रखनी पड़ेगी, तो जैकेट देते ताकि कुछ देर तक वो हीट को होल्ड किए रहे, क्या करे होल्ड किए रहे। जैकेट का बेसिकली यूज रहता है याद रखिए हाई रेजिस्टेंस टाइम, मतलब हीट को काफी देर तक उसमें होल्ड किए रहे या चीलिंग की डिमांड है तो चीलिंग को काफी देर तक होल्ड किए रहे, इसलिए हम जैकेट का यूज करते हैं रिएक्टर में। अक्सर याद रखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है जैकेट आपने जान गए, अब जैकेट में हम अक्सर स्टीम की दर से देते हैं, यह आपसे बेसिकली क्वेश्चन हो सकती है, स्टीम की दर से देते हैं, आप बताइए स्टीम क्या है, एक प्रकार का गैस है, ठीक है एक बार मान सकते हैं गैस तो नहीं है, गैस की अपनी शर्तें होती हैं, लेकिन गैस के फॉर्म में होता है, पेपर फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसकी अपनी क्या एक टेंडेंसी होती है क्या अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आप बताइए अगर हम स्टीम को हम नीचे से दिए, सपोज दैट नीचे से दिए, तो ऑलरेडी उसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की, ऊपर जाएगा तो क्या होगा मैक्सिमम देर तक रह नहीं पाएगा, सडनली ऊपर भाग जाएगा, पहला कंडीशन, तो क्या होगा उसका रेजिस्टेंस टाइम कम होगा, रेजिस्टेंस टाइम क्या होगा जीरो समझ लीजिए, बहुत कम समय रहेगा तो जीरो पकड़ लें, आई बात समझ में। दूसरा अगर हम स्टीम यहां से दिए और जैसे ही ऊपर जाएगा
तो क्या होगा, कंडेंस होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है और उसी को गर्म करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं। और जब वो इस दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा, इसके बीच में क्या होता है, आपका जैकेट है जो कि एक क्या है, जिस प्रकार का रिएक्टर है MSSS, उसके प्लेट के थ्रू जाएगा और जैसे क्या होगा, स्टीम कंडेंस हो जाएगा और दूसरा स्टीम नीचे से आ रहा है। ध्यान से समझिए इस बात को, स्टीम हमने यहां से दिया और जैसे ऊपर गया वो पानी बन गया, वो फिर नीचे गिर रहा है और फिर दूसरा स्टीम हम दे रहे हैं। अब यह स्टीम इस पानी में मिलेगा तो ये भी तो कंडेंस हो जाएगा, तो स्टीम भी कंडेंस जीरो होगा। और जब स्टीम कंडेंस होगा तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हीट तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो हीट ट्रांसफर भी जीरो हो गया, ठीक है। और जब पानी लाइन में भर जाएगा और इसके नीचे से बार बार स्टीम आएगी, तो स्टीम और पानी जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, हैमरिंग होगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जितने भी गैसियस फॉर्म में यूटिलिटी होती है उसको कभी भी बॉटम से नहीं देते हैं, आई बात समझ में, उसको आप हमेशा कहां से दोगे, टॉप से दोगे, कि अगर कंडेंस भी हुआ तो गिर जाएगा और गिर जाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, यहाँ बॉटम से निकाल लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं वहां पे ट्रैप वाल लगा होता है, ट्रैप वाल की वीडियो हम बनाएंगे, चर्चा करेंगे, और वहां से हम कंडेंस निकाल लेते हैं और बाकी स्टीम क्या होती है, आपकी आउटलेट से निकल जाती है अगर कंडेंस नहीं हुई तो, आई बात समझ में। और बाकी जो लिक्विड फॉर्म में जो यूटिलिटी होती है उसको हम बॉटम से आराम से देते हैं। अब उसको भी क्यों देते हैं, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड की क्या है, वो ग्रेविटी फोर्स देगा, वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो अगर टॉप से लोगे तो सडनली वो नीचे डाउन हो जाएगा और सडनली डाउन होगा फिर वही बात आई, रेजिस्टेंस टाइम जीरो हो जाएगा। इसीलिए कभी उसको नीचे से देते हैं ताकि आराम आराम से इजीली बिल्कुल स्लो स्लो से भरता जाएगा और जितना देर वो जैकेट में रहेगा उतना ज्यादा वो हीट ट्रांसफर करेगा। या हीट ट्रांसफर की बात करें, अगर हमको हीट चाहिए तो, अगर चीलिंग चाहिए तो चीलिंग का ट्रांसफर करेगा, मिनिमम टेम्परेचर देगा, आई बात समझ में, ठीक है, जैकेट समझा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जैकेट कितने प्रकार का होता है। ये जैकेट तो आपने समझ लिया, लेकिन ये जैकेट होता कितने प्रकार से है, ये भी चीजें होती हैं। जैसा कि आप देख लो, पहला होता है आपका कन्वेंशनल टाइप जैकेट, जो आपके फिगर में यहां दिखाया जा रहा है, सबसे पहला यही भी आया था इंजीनियरिंग जब शुरुआत हुई थी, क्या होता है, कन्वेंशनल टाइप जैकेट, ठीक है, कन्वेंशनल टाइप जैकेट। एक काम करता हूं, लिखता नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी दिख रहा है स्क्रीन पे, कन्वेंशनल टाइप जैकेट, ठीक है। दूसरा आपका होता है डिंपल जैकेट, जो कि वो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, डिंपल इसका नाम से ही मालूम चलता है, अक्सर आप देखते हैं लोगों के गाल पे डिंपल्स पड़ते हैं, सेम ऐसे इस रिएक्टर में दिख रहा है, नंबर साहब डिंपल्स पड़े हैं। पहले हम कन्वेंशनल टाइप की चर्चा करें, कन्वेंशनल टाइप एक प्रकार का ऐसा जैकेट है, सिंपल जैकेट, इसमें क्या होता है, एक ऐसा रिएक्टर रहेगा, ठीक है, एक ऐसा रिएक्टर रहेगा और इसके क्या होगा, यहां तक एक प्रकार का जैकेट बना दिया जाएगा। ये बहुत याद है कि बहुत शुरू में आया था, इसका ज्यादा एफिशिएंसी रही नहीं, ये इन और ये आउट कर लीजिए, इसमें क्या होता है, आराम से भरता रहेगा। तो आप देखोगे ना कि अगर मान हमें सडनली हीट ट्रांसफर चाहिए तो क्या होगा, या सडनली हीट ट्रांसफर चाहिए या सडनली चीलिंग का चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए हमें चीलिंग दिया हमने तो नीचे से भरता जाएगा तो बहुत टाइम लेगा भरने में, वो क्या होगा यहां तक जाने में, तो हमें यहां बस यहीं तक का हीट ट्रांसफर होगा, टाइम वहां तक भी जाएगा, लेकिन ऑलरेडी उसके पहले क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास 8 KL का सोल्यूशन अंदर रिएक्शन कर रहा है, यहां तक है समझ लीजिए, और हम इसमें चीलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या होगा, एक टाइम लगेगा इतना भरने में, यहां तक भरने में, ये सब जैकेट भरने में उसको टाइम लगेगा, और उसके पहले क्या होगा, हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका रहेगा, तो मैक्सिमम जब हीट ट्रांसफर की जरूरत पड़ी तो वहां पे कन्वेंशनल टाइप जैकेट हमें उतना योगदान नहीं दे पाया जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इस जैकेट को हम उतना प्रिपेयर नहीं करते हैं। लो प्रेशर ड्रॉप के लिए यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है हीट ट्रांसफर का, वहां पे यूज करते हैं कन्वेंशनल टाइप जैकेट का, आई बात समझ में, ठीक है। दूसरी चर्चा कर, जैसा कि मैंने बताया, एक होता है आपका डिंपल जैकेट, जो कि आप स्क्रीन पे दिखाया गया है आपको, फिर भी दोबारा बता दो, डिंपल जैकेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, नंबर साफ डिंपल्स बने होते हैं, नंबर जैसे अक्सर लोगों के आप देखते हो जब उनके क्या होते हैं, चीक पे यानी गाल पे क्या होता है, डिंपल्स बने होते हैं, सेम ऐसे इस रिएक्टर में आपको दिख रहा है डिंपल्स बने होते हैं। डिंपल्स क्या करते हैं, क्या होता है, वो इसके अंदर जो लिक्विड आता है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बता रहा ये आपका रिएक्टर है, ठीक है, ओके, इसके अंदर ये आपका ये बार बार डिंपल बना रहेगा, ठीक है। अब आप बताओ, डिंपल बना रहेगा तो यहाँ पे फ्लूइड को रोकेगा, हर जगह रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बाइक यहां से जाएगा या फिर नीचे से दे रहा है, सडनली यहां भागेगा, फिर सडनली यहां भागेगा, तो फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कन्वेंशनल टाइप जैकेट में क्या था, कोई प्रकार का वेफल अंदर नहीं था, इसमें बोल सकते हैं एक प्रकार का वेफल का काम करता है, डिंपल क्या करता है, एक प्रकार का वेफल का काम करता है जैकेट में, जो फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, इसकी वजह से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिलता है, ओके। तीसरा आप जो देख रहे हो, जो आपको स्क्रीन पे शायद दिखाया जा रहा होगा, बिल्कुल दिखाया जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं लिम्पेट कॉयल, हाफ
क्वाइल या लिम्पेट क्वाइल बोलते हैं। इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ऐसे रिएक्टर तो है और इसमें ऐसे ऐसे आपकी लिम्पेट की क्या की गई है, क्वाइल की, हाफ लिम्पेट क्वाइल बोलते हैं, हाफ लिम्पेट क्वाइल जैकेट भी बोलते हैं और लिम्पेट क्वाइल जैकेट भी इसको बोलते हैं, हाफ क्वाइल जैकेट या लिम्पेट क्वाइल जैकेट बोलते हैं। ये बहुत ही आपका अच्छा रहा रिएक्टर के लिए, इसका मैक्सिमम यूज इसका इंडस्ट्री में इसी का किया जा रहा है, इसमें मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो जाता है आसानी से। ओके, इसमें क्या होती है पतली, आप देख रहे हो लिम्पेट चारों चादर लपेटी दी गई है और तुरंत क्या होती है बाहर वाली सडनली, इसके पहले क्या था चारों ओर से कवर किया गया था तो ऊपर क्या होता है क्लोज करने में यानी वो अपने टॉप में जाने में काफी टाइम ले जाता है, लेकिन ये क्या है एक पतली लिम्पेट होती है जो क्या होती है बहुत जल्दी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है और अंदर के टेम्परेचर को बहुत जल्दी कवर कर लेता है, ठीक है, और जैसी हमें फेवरेबल कंडीशन होती है वो उसको कवर कर लेता है, कौन सा हाफ लिम्पेट क्वायर या क्या बोलते हैं लिम्पेट क्वायर जैकेट, तीसरा हो गया। चौथा आपका जो आप देख रहे हो, चौथा क्या आपका, चौथा है जो आपका इंटरनल क्वायर, इंटरनल जो आपकी स्किन पे दिखाया जा रहा है, ये भी बहुत सही हुआ ये, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके एडवांटेज की चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है जब बहुत ज्यादा हमें क्या हो चिलिंग की यानी बहुत हमारा ऐसा कोई आपका रिएक्शन है जो बहुत जल्दी क्या है एक्सोथर्मिक हो रहा है और टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं एक इनर क्वायल लगा देते हैं जो रिएक्टर के अंदर वो क्वायल लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा चिलिंग जाएगा मतलब डायरेक्ट वो मेटेरियल के कंटेक्ट में आ रहा है, उसके ऊपर क्या होगा मेटेरियल रिएक्शन कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम क्या करता है तुरंत हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है इंटरनल क्वायल। याद रखिए इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्लीनिंग व्लिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, अगर इसमें माल आपका स्केलिंग हो गया डिपोजिट हो गया इसको क्लीनिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। और लास्ट जो था आपका वो था आपका कांस्टेंट फ्लक्स कूलिंग जैकेट जो कि अभी बहुत जल्द मार्केट में आया है, शायद हो सकता है आप देखे भी ना हो, एटलीस्ट मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने इसकी स्टडी की है। इसमें क्या होता है एक प्रकार का ऐसा रिएक्टर है जैसा जैसा आप देख रहे हो और इसमें जब भी हम जैकेट यूज करते हैं इसमें बहुत नंबर आप क्या होंगे इनलेट होंगे और नंबर आप ये आपके इनलेट होंगे, ये सारे आपके इनलेट होंगे, ठीक है, और इनके अपनी एक आउटलेट होगी, सबकी एक आउटलेट होगी। तो आप देख रहे हो अभी तक क्या था एक इनलेट था एक आउटलेट था, अब इसमें क्या है सारे इनलेट और इनका एक हेडर बना दिया जाएगा, हेडर मतलब जहां एक जगह से इनको कूलिंग या चिलिंग जो भी होगा या हीटिंग देना होगा वो देगा और ऐसे इनलेट ऐसे आउटलेट ऐसे इनलेट ऐसे आउटलेट देख रहे हो आप, तो हर एक पॉइंट पे यहां पे क्या होगा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा। अब ये नया नया आया है आप आगे देखोगे, ये सारी चीजें हैं टाइप्स ऑफ जैकेट की। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जितना कवर करने की कोशिश किया आपको किया, अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप क्या होगा नोट्स में हो पा जाओगे, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही मजेदार, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने एडी केमिकल पॉइंट। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।